हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कशिश एंड प्रथम व्लॉग्स। तो गाइस, एक चीज़ बतानी थी वॉक्सवैगन जेटा के बारे में कि जैसे ये दिखा रही है एवरेज दिखा रही है, ये इस तरीके से दिखा रही है एवरेज। आपको लगेगा कि 3 की एवरेज दे रही है, लेकिन जो इसका सिस्टम है वो ये है कि जैसे 3.3 लीटर दिखा रही है तो वो 3.3 लीटर में 100 किलोमीटर कवर करेगी। तो मतलब इसमें ऐसे दिखाती है, और गाड़ियों में आपने देखा होगा कि प्रॉपर ऐसे दिखाती है कि 14 की एवरेज दे रही है जितने भी और क्रेटा वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें भाई थोड़ा सिस्टम अलग होता है। और गाड़ी का एवरेज देखो भाई, 3.3 की दिखा रही थी, अभी 2.8 दिखा रही है। तो मतलब 3.3 के हिसाब से मेरे ख्याल में 33 की एवरेज हो गई भाई इसकी। और 2 लीटर इंजन है इसका, 140 bhp, और बॉडी भी इतनी हैवी है, फिर भी इतनी ज़्यादा एवरेज। ये देखो भाई, 3.3 लीटर पर 100 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा ही एवरेज है इस गाड़ी की। और मतलब ऐसे भी नहीं है कि 70-80 चला रहे हो, बीच में 120-130 भी चलाई हमने इसको। अब जैसे चार पे आ गई है, चार के हिसाब से कितनी बनी आशीष? 25 के एवरेज। तो मतलब और स्पीड कम करता हूँ तो देखते कितने की आती है। ये चेंज होता रहता है अपने आप ही। 2.7 पे 2 लीटर में 100 किलोमीटर भाई बहुत ज़्यादा हो जाती है एवरेज, वो भी इतनी हैवी गाड़ी के लिए। सही है यार ये सिस्टम, और हाईवे भी सही है तो एवरेज इसलिए भी ज़्यादा आ रही है क्योंकि काफ़ी देर से इसी हाईवे पे चल रहे हैं। 100-150 किलोमीटर हो गए, और इतना ही मेरे ख्याल में अभी 60-70 किलोमीटर और इसी हाईवे पे चलेगी। तो देख सकते हो भाई माइलेज, और अपनी ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जैसे क्रेटा हो गई 1.4 भी इतनी कम माइलेज देती है, और ये 2 लीटर होने के बाद भी डीजल में इतनी सही माइलेज दे रही है भाई। तो भाई यही बताना चाह रहा था जेटा के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।